अंदर घुसते ही सर्विस सेंटर में उनके जनरल मैनेजर आ गए सीधा, कहते बंद करो रिकॉर्डिंग। हेलो एंड वेलकम टू चौहान टाउन। तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो हमारी वाइट थार टो के जा चुकी है। तो आज सुबह से तो यार मतलब हमें कोई अपडेट आया नहीं महिंद्रा की तरफ से। कह रहे थे आधे घंटे में इंस्पेक्ट करके करेंगे कॉल। 3:30 हो चुके हैं तो अब थोड़ा पेशेंस लूज कर दिया हमने, बट फिर भी आराम से जाके अब बात करेंगे। इधर सेक्टर 14 में महिंद्रा का सर्विस स्टेशन है गुड़गांव में, यहाँ पे अब आ चुके हैं। अंदर जाके खुद ही अपडेट लेंगे क्योंकि महिंद्रा तो कुछ दे नहीं रही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महिंद्रा का है सर्विस स्टेशन, है महिंद्रा का DM का हुआ है सर्विस स्टेशन। भाई अभी हम बाहर हैं, हमारी बात बात हो गई थी, अंदर घुसते ही सर्विस सेंटर में उनके जनरल मैनेजर आ गए सीधा, कहते बंद करो रिकॉर्डिंग, अंदर का रिकॉर्ड करने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्योंकि अभी काफ़ी अरुण पवार और ये सबका चल रहा है, तो आई डोंट थिंक दे वॉन्ट टू बी एक्सपोज। हमारी भी थार बताओ, ऑयल प्रेशर मोटर करके कोई चीज़ है वो ख़राब हो गई है उसका सेंसर, जिसकी वजह से इंजन आगे और डैमेज और फर्दर ना हो, उसके लिए वो गाड़ी को स्पीड 10 तक ही लिमिट कर देता है। खैर जो भी आप कह रहे हैं यार, एक घंटे में बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, होपफुली तो कह रहे हैं एक घंटे में ठीक हो जाएगा, कह रहे हैं सर्विस करके भी देंगे। अगर नहीं हो पाता तो फिर आगे देखते हैं कि कॉम्पेंसेटरी व्हीकल भी देते हैं। तो वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड था हमारे प्लान्स थे, अभी फालतू में गाड़ी ख़राब होने की वजह से सब चौपट हो गया प्लान। खैर चलिए मैं आपको आगे अपडेट्स देता रहूँगा। तो यार अब हम घर आ चुके हैं और घर आए हुए एक घंटे के ऊपर हो गया और महिंद्रा की तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है। तो हमने ही उनको कॉल करके जब पूछा तो कहते सर अभी तो और 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि अभी वो जो ऑयल प्रेशर सेंसर था वो ख़राब था गाड़ी में, तो वो ठीक कर रहे हैं और बाकी के जो टायर सेंसर्स भी थे वो भी ठीक करेंगे, और कह रहे हैं सर्विसिंग और कार वॉश करके भी देंगे आपको, तो उसमें और 2 घंटे लग जाएंगे। बट उनके एग्जीक्यूटिव से हम पूछ रहे हैं तो वो कहता है कि आपको कल मिलेगी गाड़ी। बाकी उनका मैनेजर और उनसे हमने जब पूछा, टेक्निकल हेड था, तो वो कह रहे हैं आपको रात तक मिल जाएगी गाड़ी। तो खैर यार ये तो महिंद्रा वाले खुद कोऑर्डिनेशन में नहीं है, बट एनीवेज हम रात को भी सर्विस स्टेशन जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और जिन लोगों को अरुण पवार का केस नहीं पता है, मैं वो आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, उनने नई नई स्कॉर्पियो N ली थी और उसको लेकर स्पीति गए हुए थे, तो वहाँ पे एक वाटरफॉल के नीचे वो गाड़ी धो रहे थे अपनी सनरूफ बंद करके। उनकी गाड़ी में आई थिंक डिफॉल्ट था या क्या था, बंद सनरूफ के थ्रू भी पानी आ गया गाड़ी के अंदर, जिसके वजह से स्पीकर और अंदर पूरा पानी फ्लड हो गया और ख़राब हो गई उनकी सनरूफ, और वो बंद भी नहीं कर पाए। और आपको तो पता ही है कि स्पीति में इतना टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उनकी तो ठंड में खैर वाट लग गई। बट एनीवेज इसका महिंद्रा ने क्या कंपनसेट करा उनको, उनको 1 महीने के अंदर आई थिंक नई वही स्कॉर्पियो ठीक करके दी, और मीन बाइल उनको XUV700 दी थी। बट हमारा केस ऐसा इतना क्या कहते हैं सीरियस नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी तो खैर 1 दिन में 2 दिन में कह रहे हैं वापस दे देंगे। एनीवेज अब शाम को पहुँचता हूँ वहाँ पर और आपको अपडेट देते हैं कि क्या हमारी गाड़ी ठीक होके पूरी परफेक्टली ठीक चल रही है या नहीं। तो भाई फाइनली सर्विस स्टेशन आ चुके हैं, अभी तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर नहीं रहे पहले की तरह। बाकी गाड़ी हम चेक कर चुके हैं, इंजन साइन जा चुका है और इसका टायर प्रेशर का जो साइन था वो भी अब ठीक हो चुका है। बाकी आप कार वॉश भी कर चुके हैं, आप जैसे देख सकते हैं पूरी गाड़ी चमक रही है बिल्कुल नई गाड़ी की तरह। सो लेट्स होप अब इस गाड़ी में और कोई इशूज़ ना हो। अब इसको ड्राइव करके देखते हैं कि कोई अब और तो लाइट ना आए होपफुली। तो गाड़ी अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है बिकॉज उसकी 1000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी है, जिसमें हमने फ्लूइड लेवल्स और बेसिक जनरल बोल्ट वोल्ट चेक करें, तो गाड़ी इज़ गुड टू गो नाउ। पुरानी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा कि हमने एयरवेंट लगाए थे, तो उसके आसपास यार बिमरा ने ढंग से काम नहीं किया और ये एडहेसिव सा चिपका हुआ है, तो भैया पता नहीं किसी स्पेशल मटेरियल से इसको हटा रहे हैं, तो होपफुली हट जाएगा और गाड़ी का बोनट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फाइनली हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, रात के बज चुके हैं 8 और हम निकल रहे हैं घर। होपफुली इस गाड़ी में और कोई साइन नहीं आना चाहिए, इस गाड़ी को वैसे हमारी काफ़ी रनिंग रहती है यार, अभी नई नई गाड़ी का शौक भी है, तो लेट्स होप और कोई एरर साइन ना आए। अभी तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ राइड हो रही है गाड़ी की। सो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और आपको और भी अपडेट्स चाहिए महिंद्रा थार के और भी वीडियोज़ चाहिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।